You know, we've always been taught to look at India from the Western mindset. But this book is different. It shows us the difference between the Indian and the Western perspective. It truly establishes a unique identity for India. In fact, the author has written several great books and even given grants to US universities for Indic studies. He's now organizing Swadeshi Indology conferences to reverse the gaze. So here I am to learn more. Namaste, Rajiv ji. Namaste, Nidhi. You know, I would like to know from you, what is the most unique and ancient identity of India? This is the Rig Veda, where it all begins. लॉर्ड मैकाले के जमाने में जब वेद को लेकर के बड़ा तहलका मचा और फ्रेडरिक मैक्समूलर ने लॉर्ड मैकाले के कहने में आकर के वेदों के बारे में एक उन्होंने घोषणा कर दी कि वेद जो हैं ये ईसा से 1200 साल पहले लिखे गए, तो सारी दुनिया में जो है विद्वानों में एकदम समझिए कि एक आंदोलन जैसा मच गया, और विशेष करके उन विद्वानों में जो कि इंग्लैंड के नहीं थे, क्योंकि इंग्लैंड की मानसिकता भारत के प्रति दूसरी थी, वो हमको गुलाम समझते थे। लेकिन बाकी जिन लोगों ने करीब 150 की संख्या में जिन विद्वानों ने संस्कृत को पढ़ा था, वो सब एकदम उनका खून खौल उठा, ये क्या खिलवाड़ किया है आपने कि वेद जैसे वेदों के बारे में आपने ये बात कह दी। बहरहाल वो बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन उस कहानी का अंत यही है कि 1859 में फ्रांस की एक सभा में फ्रेडरिक मैक्समूलर को सारे विद्वानों के सामने हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करना पड़ा और अपने मत को वापस लेना पड़ा, और उन्होंने कहा कि हमने केवल एक अटकलबाजी, एक संभावना हमने व्यक्त किया था, आज मैं घोषित करना चाहता हूँ कि वेदों की तिथि निश्चित करने का कोई साधन न मनुष्य के पास है और न भविष्य में होगा। यहाँ तक झगड़ा आ गया 19वीं शताब्दी में, लेकिन उसके बाद ही बाल गंगाधर तिलक ने, जब वो मांडले के जेल में उनको निर्वासित किया गया, तो वो बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे, बहुत बड़े ज्योतिषी थे और उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया और अपने द ओरियन नामक ग्रंथ में उन्होंने एक जो वसंत संपात का सिद्धांत दिया, वो एक अकाट्य सिद्धांत है, और उस सिद्धांत के बाद जो है आज तक फिर कोई वेद के बारे में कोई आशंका नहीं करता है। वसंत संपात के सिद्धांत के आधार पर तिलक जी ने ये घोषणा की कि मैत्रायणी संहिता के मंत्रों में जो वर्णन आया हुआ है, उस वर्णन से ये सिद्ध होता है कि जब सूर्य के चारों ओर वार्षिक गति में चंक्रमण करने वाली पृथ्वी जब पुनर्वसु नक्षत्र के क्षेत्र में प्रवेश करती थी, सूर्य के साथ संपर्क उसका बनता था, उस समय वसंत ऋतु प्रारंभ हुआ करती थी। ये मैत्रायणी संहिता में आया हुआ है, जबकि आज की स्थिति ये हो गई है कि अपनी वार्षिक गति में पृथ्वी जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करती है, तब सूर्य के साथ उसकी संक्रांति जब होती है, तब वसंत प्रारंभ होता है। इन दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा भौगोलिक अंतर दिखाई पड़ता है, खगोलीय अंतर दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी की जो गति उस समय थी पुनर्वसु नक्षत्र के क्षेत्र में और जो आज है, दोनों गतियों में करीब 4.5 नक्षत्र का अंतर है, और जब पृथ्वी अपनी गति में एक नक्षत्र पूरा पीछे खिसक जाए, तो इस घटना में 960 वर्ष का समय लगता है, और चूंकि 4.5 नक्षत्र पीछे खिसक करके वो वसंत ऋतु करा रही है, इसलिए वो जो वर्णन है मैत्रायणी संहिता का, वो आज से 4.5×960 साल पहले का रहा होगा, और मेरा ये कहना है कि वो समय आज से लगभग 6500 साल पहले का था, और चूंकि पुनर्वसु नक्षत्र का जो देवता है वो देवमाता अदिति माना गया है, इसलिए हम उसको अदिति एरा कहेंगे। संपूर्ण विश्व संस्कृति का जो कालखंड आज मनुष्य के पास है,
मनुष्य माने इंडियंस, हमारे पास जो प्रामाणिक दस्तावेज है कि कौन कालखंड सबसे प्राचीन था, वो केवल भारतीयों को ज्ञात है और उसको हम अदिति एरा कहेंगे। यही संसार का प्राचीनतम युग है और ये युग भारत में था। और जब उस युग में मैत्रायणी संहिता के मंत्र लिखे जा रहे थे तो फिर वेद का और प्राचीन रूप कितना रहा होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। वेद पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे मानव प्रकृति से सीधे संवाद कर रहा है, वैसी संवेदना अब नहीं बची। लेकिन कई वैदिक शब्द आज भी भारत की लगभग 1600 भाषाओं में प्रयोग में लाए जा रहे हैं। साधारण भारतीय इनको उसी अर्थ में समझता और प्रयोग में लाता है जिसमें ये कभी वैदिक काल में प्रचलन में थे। The most important term to understand about who we are is the term Sanatana Dharma. Sanatana means eternal, beginningless, endless. So it's not a particular event in history that we have to study. It's not that some particular thing happened in history and if it's falsified, then everything will fall apart. वेद 3100 ईसा पूर्व में महर्षि वेदव्यास द्वारा संकलित किए गए थे। यद्यपि उनका कुछ भाग हड़प्पा नगरों से भी पुराना हो सकता है, कुछ पुराणों की विषय वस्तु वेदों जितनी ही प्राचीन प्रतीत होती है। गरुड़ पुराण की वैतरणी को आप हड़प्पा बर्तनों पर देख सकते हैं। नई खुदाइयों के प्रमाण बताते हैं कि भारत में लगभग 9000 वर्ष पहले नगर बसना शुरू हुए। बिरदाना से भी इस मोहनजोदड़ो जैसी नर्तकी के प्रमाण मिले हैं। डांसिंग फिगर इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम टू रीजंस इन फैक्ट। वन इज दैट नो वी सी अ कॉम्प्लेक्स इंट्रोडक्शन ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स कॉपर टेक्नोलॉजी। इट इज मेड इन अ मोल्ड इन फैक्ट, कास्ट इन अ मोल्ड। सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी विच वॉज यू नो डेवलप और यू नो परफेक्टेड बाय द हरप्पंस। एंड देन यू नो फॉर द सेकंड इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ दैट that figuring is wearing bangles in fact, you know, those you know spiral bangles in one hand, and that tradition continues even today in Rajasthan, Gujarat. नृत्य में डूबकर उसका आनंद उठाने की क्षमता किसी अति विकसित सभ्यता में ही आ सकती है। इस किशोरी के बारे में व्हीलर ने कहा था कि पूरे विश्व में इस जैसा कुछ नहीं है। वह स्वयं के बारे में और विश्व के बारे में पूर्ण आत्मविश्वास से भरी है। महिलाओं की समाज में ऐसी केंद्रीय भूमिका किसी भी सभ्यता में देखने को नहीं मिली। इस सभ्यता की निरंतरता को हिंदुओं के जीवन और दर्शन में आज भी देख सकते हैं। Earliest evidence for using sindoor comes from Harappan civilization. There is a site called Navsero from where, and there are other sites from where a small terracotta figurine of women have been found, in which would you believe that from the, in the parting, sindoor is intact. आश्चर्य की बात यह है कि स्कूलों में पढ़ने की तख्ती का रूप आज भी वही है जो हड़प्पा सभ्यता में था। You cannot believe it. Similar, exactly similar takti which I have used in my early days as a primary school student that have been found. But best part is, you have ancient from Mohenjo-daro, you have modern from modern India. In between, there is a terracotta plaque found from Mathura, where a boy is sitting with a slate, with the handle in the left hand, as usually we did it, writing with the right hand, and you could decipher the Brahmi lipi. Brahmi script on that slate. So tradition of learning, tradition of writing, tradition of reading goes back to India, very hoary past, but at least there are physical remains of it which prove not only you have to go to Vedas and Puranas and all that, physical remains are there. So at least for 5,500 years, we have continuity in terms of physical evidence of reading and writing. Indian civilizations civilizational development, you can say, that starts about 9000 BC. That's about 11,000 years from today.
And once it started developing, you don't see any break. It has continued on and on and on. Lots of features which may have developed 5,000 years ago, 6,000 years ago, they can be seen in today's life, day-to-day life. For last 10,000 years, there is no large-scale migration either from outside or from India to outside. So, but right from the beginning of settled life, people were in touch with other regions, maybe for trade purpose. Now that is now established clearly now. I can vouch for their indigenous development, and based on both impact on the archaeological data and also on the genetic data also. We are going to publish the DNA data from the site of Rakhigarhi. So that is going to confirm impact about the population. The DNA is very strong impact, local DNA is very strong. And there is some sprinkling of maybe, from outside region, from Iran also we are getting, and from South India also. So right from beginning, there was some kind of mixture of the population, like today. When it comes to the, this Rigvedic text, there are many issues which we have not been able to resolve them. One is that, when was it written? We are not really clear about the date of this, whether it was written at one stage or over a period of, very long period, we do not know. But suppose, if you want to use that data impact and compare with the archaeological culture, then, it indicates that, the Harappans and the Rigvedic were one and the same. The Harappans were the founders of the Indian culture, Indian tradition, and Indian knowledge system. And from Harappans till the present, there is a continuity in all this impact, continuity in the tradition, continuity into the knowledge system. जिस तरह हड़प्पावासी झंडा रखते थे, पीपल के पेड़ को पूजते थे, जिस तरह के आभूषण और बर्तनों का प्रयोग करते थे, भारतवासी आज भी वैसा ही करते हैं। सड़क पर बैलगाड़ी के पहियों के निशानों से पता चलता है कि पहियों के बीच की दूरी उतनी ही है जितनी आज है। नाप तोल की इनकी इकाइयां अभी हाल तक भारत में चलती थी। आश्चर्य की बात है कि कंबोडिया की इन ईंटों का माप हड़प्पा नगरों से मेल खाता है। विश्व के मंगल का ये चिन्ह आज भी बनाया जा रहा है। इसका मंत्र आज भी गाया जा रहा है। केवल मानव का मंगल नहीं, जड़ और चेतन सबका मंगल। इस विचार की हिंदू, जैन और बौद्ध निरंतरता बनी हुई है। ये पशुपति उसी आसन में बैठे हैं जिसमें स्नान तथा अभिषेक के लिए राजा युधिष्ठिर बैठा करते थे। इस आसन की निरंतरता लगातार पाई जाती है। जिस नासाग्र या शांभवी मुद्रा में ये योगी बैठे हैं, वह मुद्रा मूर्तियों में और साहित्य में निरंतर देखी जाती रही है। योगियों के आसन के नीचे ये हिरणे लगातार इसी तरह दर्शाई जाती रही है। मानव मन के चंचल स्वभाव का परिचय हिरणों से ज्यादा कौन दे सकता है? मन को वश में करना वायु को मुट्ठी में भरने से भी कठिन है, लेकिन योगियों ने उसे भी अपनी उंगलियों पर नचाकर छोड़ दिया था। मन का अनुशासन ही समाज का अनुशासन बनता है। स्वच्छ मन का मानव ही इतने स्वच्छ नगर बसा सकता है। And we are not learning from the Harappans, in fact. Today we have to, launch program like Swachh Bharat Abhiyan. Our Prime Minister has to do that. But you know that the Harappan cities 5,000 years ago, they were the most clean cities. If you look at the maybe drainage pattern, the main drainage line was taken outside the city wall and emptied somewhere. They made sure that it is not within the settlement. And the people were so healthy. We have excavated number of skeletal remains from both Farmana as well as Rakhigarhi. And some of the Koreans are, they are looking at the pathology part. And they are very much disappointed. They say that Harappans were not suffering from any disease, but they were so healthy people. आहार को औषधि बनाने का भारतीय ज्ञान बहुत पुराना है। वे उन्हीं हल्दी और मसालों का प्रयोग कर रहे थे जिन्हें आज भी भारतवासी करते हैं।
खान पान, रहन सहन, नृत्य संगीत, भाषा और दर्शन की ऐसी चमत्कृत कर देने वाली निरंतरताएं संसार के किसी भूभाग में नहीं पाई जाती। सभ्यताएं मिट गई, काल कलवित हो गई, उनके नाम लेने वाले नहीं रहे। ये इंका सभ्यता है। यूरोपियनों ने बड़ी क्रूरता से इंका लोगों को मारकर इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। इनके धर्म, मान्यताएं, दर्शन सब खो गए। सांस्कृतिक निरंतरताएं समाप्त हो गई। यहाँ माया और एजटेक सभ्यताएं थी जो अद्वितीय लिपि, कैलेंडर और गणित के लिए विख्यात थी। स्पेन वासियों ने पुरानी दुनिया की बीमारियां जैसे चेचक, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा से 90% माया लोगों का सफाया कर डाला। सांस्कृतिक निरंतरताएं समाप्त हो गई। मिश्र वासियों ने कला और विज्ञान से एक खुशहाल स्वर्णिम सभ्यता का निर्माण किया था जो 200 वर्षों में इस्लाम में विलीन हो गई। फराहों का नाम लेने वाले नहीं बचे। लोगों ने अपने ही पूर्वजों से नाता तोड़ लिया। सांस्कृतिक निरंतरताएं समाप्त हो गई। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है जो विस्तार में इराक, ईरान, सीरिया और कुवैत तक फैली थी। इसका अंत 332 बीसी में यूनानियों के हाथों हो गया। बाद में ये भी इस्लाम में विलीन हो गई। लोगों ने अपने ही पूर्वजों से संबंध विच्छेद कर लिया। ये चीन की सभ्यता है जो करीब 1750 बीसी के समय अस्तित्व में आती है। यद्यपि माओवादियों ने सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर इसे नष्ट कर डाला, परंतु वर्तमान चीनी सरकार प्राचीन संस्कृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है। ये ग्रीस की महान सभ्यता है जिसका प्रभाव आधुनिक विज्ञान, खगोल, गणित और चिकित्सा पर पड़ा है। पश्चिम का मस्तिष्क आज भी ग्रीस के ही ढांचे में ढला हुआ है, लेकिन पहले इस्लाम ने और बाद में ईसाइयों ने इसका विनाश कर डाला। लोग ग्रीक देवताओं को भूल गए, प्राचीन संस्कृति को भूल गए। यह भारतीय सभ्यता है। आपसी युद्ध और बाहरी आक्रमणों के बावजूद आज भी यह एक जीवित सभ्यता है। कई लोग आज भी वैदिक और हड़प्पा की संस्कृति को जी रहे हैं। इसका कारण क्या है? Now you know we study about the great Indus civilization, but that's in time and place. It's in history. It's not eternal. The rishis discovered something amazing. The entire cosmos is also present as every particle, every location in time and place. So the macro is also the same thing as the micro. The whole cosmos is present in our bodies. It's present externally in society. So there's a mirror effect. As the big, so also it's reflected in the tiny. This is a very interesting macro-micro principle, very central to the entire Vedic tradition. And it has the following significance. When you want to understand the cosmos, you can take any object, and if you meditate enough on it, if you dwell enough on it, if you do your tapasya and your puja enough on it, you can actually discover for yourself the entire cosmos. This is why we have the whole deity practice, because a deity is the micro presence of the macro. The supreme person is present in a certain form so that it is more accessible, more friendly, you can say more user-friendly. And this immediate access of the divine in a micro form is our practice of the deity worship. The same way the Tantra people discovered the macro in their own bodies. They discovered that through certain practices, everyone can discover this. So you don't need a priesthood in the middle.
The priests are coaches and they are useful, but many great exemplars have attained this knowledge for themselves just through precise observation. So the purpose of yoga, the purpose of meditation is to attain the stillness such that this is self-revealed to each of us. We don't really need books. Books are nice. Shastras exist. They are the great texts. They are nice. They are very helpful. Teachers are very important. Gurus are very important. But actually, if a person has none of these, and if all of these got destroyed for some reason, you can always rediscover the same truth because this truth is present in every single particle, in every moment in time, in each one of us. And this presence of the Supreme in each one of us is what we also call Satchitanand. सत्य चेतना और आनंद ये तीनों जिसके केंद्र में हो उस सभ्यता के जीवन दर्शन की जड़ें बहुत गहरी है। सभ्यता एक वृक्ष की तरह है। वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी होगी उतना ही वह तूफानों के सामने ठहर पाएगा। भारतीय सभ्यता के दर्शन की जड़ें बहुत गहरी है। भारत के दर्शन की गहराई को समझने के लिए भारतीय दर्शन की तुलना ग्रीक दर्शन से करते हैं।